गुड मॉर्निंग और मैं हेल्की पेट से। आज हम लोग एक पिलासा आप सबको जा रहे हैं पुरुलिया छोड़ने के लिए। कल कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण हम लोगों को आज निकलना पड़ रहा। अभी सुबह के 4 बजे 4 के नहीं बजाए हैं तो हम लोग अभी रुकते हैं, रात रुड़ हैं और पी अभी यहाँ से लेंगे उसके बाद फिर हम जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए जल्द से जल्द। अभी देख सकते हैं सुबह का 5:32 हो रहा है, 5:32 हो रहा है और हम लोग इस जोरहा रूट में हैं। आप देख सकते हैं अभी बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं तो फिर करके ओवरटेक ना करें। हम लोग तो ओवरटेक कर दिए लेकिन ना करें, ऐसे स्लो में चल रहा सारा गाड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुरुलिया। मॉर्निंग 5-4 बजे निकले थे हम लोग, अभी जोरहा पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर की सुंदर घाटियाँ, आप लोग भी आ सकते हैं विजिट करने के लिए। इधर हमारा जोना फॉल्स पड़ता है, सीता फॉल्स, एक दो फॉल्स है अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। अब हमारे झारखंड को देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है और अब तो बारिश का समय है इसलिए हरा भरा है, देख सकते हैं पहाड़ पर्वत सब। तो हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे बाय रोड पहुँचा देंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा चार्जेस बढ़ जाएगा। हम लोग कार में लेके आराम से आ जाएंगे, बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है इसलिए उसके लिए चार्जेस आपको तेल प्लस हम लोग खाना पीना सारा चेक चाहिए चार्ज बढ़ जाता है। बाकी हम लोग घर तक पहुंचा डिलीवरी कर देंगे। तो आप इसकी सुंदर वादियों को देख सकते हैं, बड़े ट्रक को भी देख सकते हैं जिसको ओवरटेक किया और सामने सुंदर सा ब्लैक रोड जहां लोग धूम मूवी की तरह उड़ा रहे हैं गाड़ी को अपने। और आम का मजा तो यहाँ बयाना ले सकते हैं क्योंकि पूरा आम पेड़ अगल बगल पूरा लगा हुआ है, देख सकते छोटा छोटा आम है, ये सब आम पूरा भगरा हुआ है। तो सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, आपको डरने का नहीं है, फ्री में ऊपर ला दे देगा आपको आम। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, बीच बीच में हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। तो अब देख सकते हैं कर गए हैं, अब बहुत दूर पहुंच गए हैं लगभग। अभी दूर ही है, अभी हम लोग पहुंचे नहीं है ठीक, अभी लगभग हम लोग तक घंटा भर का रास्ता है अभी भी। तो आप लोग देखते रहिए, सारे विजिट करते रहिए, इधर देख सकते हैं सुंदर एरिया है। हमारा कैनल भी लगभग कंप्लीट हो गया है और कल परसों में शायद हम लोग उसको वहाँ पर सारा अपना पेट्स को वहाँ पर लेके आ जाएंगे अपने घर से। तो उसका वीडियो आप देखते रहिएगा, हम लोग डाल देंगे, वो कमिंग सून में रहेगा। और अभी हमारे पास बहुत सारे पप्पी आ चुके हैं। हाँ, जो बाहर पप्पी रहते हैं उसके लिए आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको जिससे हम डिलीवर करेंगे उससे पहले आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा तब फिर आपको पप्पी मिलेगा। जो जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर और कुछ कुछ पप्पी हमारे लोकल में है, गोल्डन फीमेल ये भी लोकल में ही है, तो ये आपको देख के हम दे देंगे, इसके लिए एडवांस नहीं करना पड़ेगा। और जिससे कि अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर पहुँचाने के लिए पुरुलिया, तो ये डिलीवरी चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और बस में भी अगर हम डालते हैं तो बस में भी आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा जिससे कल हुआ। बाकी बाद में आपको बताऊंगा कि क्या केस था हम लोग इसमें, कि क्या प्रॉब्लम हुआ था कि हम लोग ऐसे जाना पड़ रहा अचानक से। तो हम लोग वहाँ पर जब जाएंगे आगे, जो अंकल लोग हैं हम लोग से ऑर्डर लिए थे तो उन लोग से बात करेंगे, तब उस टाइम पता चलेगा आप लोगों को क्या है नहीं है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, बाकी बात बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। अभी ऐसे चल रहा है गाड़ी तो मेरे को चक्कर आता थोड़ा सा, इसलिए बतख वो बतख पार हो गया, छोटे छोटे गाय लोग भी पार हो रहे हैं। मोरी पहुंचे हुए हैं और ये कलकत्ता फील करवा रहा है हम लोग को, देख सकते हैं तालाब है और ये बड़ा ट्रक हम लोग जाने नहीं दे रहा है। अब इस
ट्रक का भाड़ा ज़्यादा होगा, जैसे 4 चक्का का लेता है 30 रुपया, तो ये ट्रक में तो 6-7 चक्का था, नहीं भी नहीं तो 100 रुपया लेगा। और ये देख सकते हैं इधर पार्क है, भीमराव अंबेडकर पार्क सिल्ली, ये सिल्ली है, हाँ सिल्ली मुरी जो भी है, लेकिन है आप देख सकते हैं, हाँ सिल्ली है, सॉरी सिल्ली है, आप मुरी भी पहुँचने वाले हैं, लोग पहुँचे नहीं है सिल्ली में अभी, हलो अभी हलो भूखे प्यासे निकले हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लोगों का काम करके वापस जाना भी है, तो थोड़ा निकले हैं, अच्छा खासा भूख लग रहा है। अब देखते हैं वहाँ पर हम जाएंगे तो कुछ चाय नाश्ता मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तो बच्चा को भी भूख लग रहा है तो इसको भी दही खिलाना ज़रूरी है, तुरंत तो नहीं खिलाना है बट थोड़ा सा टाइम लेके, तुरंत खिलाने से थोड़ा सा दिक्कत करेगा, नहीं तो फिर वोमिट कर देगा और वोमिट करने के बाद थोड़ा ये लोग बीमार हो जाता है। तो अभी हम लोग झालदा में हैं, बंगाल पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं ममता दीदी के यहाँ पर पहुँच गए हैं, एरिया हम जा रहे हैं, अभी पहुँचे नहीं, अभी झालदा में हैं, अभी बंगाल बॉर्डर तो घुस गए, बंगाल में ही घुस गए यानी कि लगभग, अब कुछ दूर ही है हम लोग यहाँ से, सारे बच्चे लोग अभी स्कूल जा रहे हैं, मॉर्निंग है, यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है नहीं इसलिए यहाँ पर छुट्टी नहीं दिया गया है, और हमारे झारखंड में रांची में ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण छुट्टी दिया गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला गया है और इससे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप ध्यान से रहिएगा अपने घर पे अपने पेट्स को रख के, क्योंकि बाहर में लू चलता है और बहुत सारी गर्मियाँ एकदम जोर का, जिसके कारण आप बीमार। वैसे होटल तो खुला नहीं है, भूख तो बढ़ने का बढ़ रहा है, लेकिन क्या करें, स्कूल का टाइम, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग अपने काम से जा रहे हैं, इसलिए अपने मॉर्निंग का टाइम अच्छे काम से स्टार्ट कीजिए ताकि आपका दिन अच्छा रहे। कल हमारा दिन थोड़ा सा बैड लक था, इसके कारण आज गुड लक बनाने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वो लगता है कि और जस्ट 20-30 मिनट में आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। आप ये एरिया देख सकते हैं, झालदा का ये एरिया है, कभी झालदा घूमने आना होगा तो आ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक से भी आ सकते हैं, अपना बाइक और दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए। पप्पी तो सो रहा है भयानक, क्योंकि इसे भूख लग रहा है और इसे अभी कुछ खिलाना नहीं है क्योंकि वोमिट करेगा, जिस कारण इसे थोड़ा सा भूखे और हम लोग भी भूखे। अभी ट्रेन पार हो रही है, देख सकते हैं बहुत स्पीड में है, हम लोग भी छूट गया, चला गया, और ये बच्चा है मेरा, देख सकते हैं ये कभी सेविंग किया नहीं है जिसके कारण सेविंग करने जा रहा हूँ, क्या सेविंग करोगे ना, गुस्सा हो गया इससे, भूख लग रहा है इसलिए सेविंग नहीं करने को जा रहा है। अभी हम लोग लगभग पहुंच गए हैं और हमारा बच्चा ऐसा सो रहा है, देख सकते हैं इसको कैसे सो रहा है, पर बाल बाल कर दिए हैं, देख सकते हैं ये देख रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा, ये देख रहा है कि क्या कर रहा है, क्या देख रहे हो मस्त में इसे सूद गया है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लगभग और थोड़ा सा आधा घंटा मान लेते हैं, हाँ पहुँचने वाले हैं, टोटल हम लोग को लग गया शायद 2.5 घंटा बोल सकते हैं, 2.5 घंटा लग रहा है टोटल, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पर, तो अब बंगाल में देखते हैं क्या क्या खाने पीने का मिलता है हम लोगों, जल्दी से निकलना है तो आप लोग भी ऑर्डर ले सकते हैं, हम लोग झारखंड से बंगाल तक पहुंचा देंगे, लेकिन इसके लिए ज़्यादा पैसा लगेगा आपको, डिलीवरी चार्ज से भी करके बहुत पैसा लगेगा, नहीं तो फिर ऐसा सोना पड़ेगा आपको,
पैसा नहीं दीजिएगा तो घर में ही सोना पड़ेगा। उठ गया चलिए हम लोग आगे मिलते हैं, जाते हैं अब परिवार में वहाँ बात करते हैं। अभी हम लोग उसको उतारे हैं खेलने के लिए क्योंकि बैठ बैठ के थक गए थे। चुहिए हैं, बैठा हुआ है, पता नहीं क्या सोच रहा है। आह दौड़ा रहे हैं थोड़ा सा खेलने के लिए। तो हम लोग ये पहुंच गए हैं छालदा, ये पुरलिया क्या ये कुछ ऐसा मैदान है, उधर बड़ा बड़ा मुर्गी है, लंबा लंबा मुर्गी है। तो इस पप्पी को भी हम लोग घुमाने ले गए हैं ताकि ये अच्छा से घूम ले थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे थक गया था और ये भी बैठे बैठे परेशान हो गया था, अल्टी पल्टी होके सो रहा था। इसे मैंने भी घुमाने ले गया कि दोनों भूखे हैं। तुम भूखा है कि नहीं भूखा है? तुम्हें भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। हाँ तुम्हें भूख लग रही है, मुझे भी लग रही है। चलो फिर थोड़ा सा दौड़ेंगे और उसके बाद फिर बैठेंगे। हम लोग कुछ ही दूर है और इस पप्पी को मजा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पूरा खुला एरिया है। ये देख सकते हैं ये कितना एक्टिव है बच्चा हमारा। तो फिर हम लोग बात करते करते जाएंगे और तो चलो सबों को गुड मॉर्निंग बोल दो। और क्योंकि ये है अब जाने वाला नया फैमिली की ओर, इसको देख सकते हैं बहुत बदमाश है, ऊपर देखते रहता है। क्या देख रहे हो ये ऊपर नीचे क्या क्या देखते रहता है, पता नहीं ऊपर में क्या है, ऊपर क्यों देखते हो? हाँ क्यों देखते हो ऐसा? चलिए फिर हम मिलते हैं दूसरे, अभी पहुँच के वहाँ से जो भी काम है वो सारा करके अब पहुँचते हैं मिलते हैं। देख सकते हैं कोलकाता 300 किलोमीटर और हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर है नहीं कोलकाता यहाँ से, तो आराम से जा सकते हैं। अब हम लोग पहुँच ही गए लगभग, अब उन लोग का घर खोजेंगे हम लोग और बच्चों को देने जाएंगे। छोटी छोटी नहीं कर रहे भाई, नहीं कर रहे हैं अभी, हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और इधर तो गर्मी भी नॉर्मल है, ज़्यादा गर्मी ऐसे है नहीं, बस हम लोग पहुँच ही गए हैं लगभग लगभग। तो अभी हम लोग कॉल करते हैं उनको और जैसे होता बात करते हैं फिर आते हैं हम लोग चैनल में। ये मेरे को काट रहा है, क्यों काट रहे हो तुम? ये काटता है कभी कभी मेरे को। अभी हम लोग एक ढाबा में आए हैं, यहाँ पर पूरी नाश्ता करते हैं, बहुत जोर से भूख लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग, अभी इस ढाबा में आए हैं कलकत्ता, या नाश्ता कर लेते हैं, खाएंगे पियेंगे उसके बाद चले जाएंगे। हम चलिए मिलते हैं आगे में। चला गया और ये बच्चा है मेरा, देख सकते हैं ए मोटू जिसकी पूरे। थोड़ा सा हम लोग इधर उधर हो गए हैं, मैप इधर उधर बता रहा है, पता नहीं बोला तो है लास्ट मार्ट बगल में ही, और अब देखते हैं कहाँ पे हैं। थोड़ा सा आगे से टर्न दिखाया था एक बार, अच्छा ये गली है, हाँ आगे से भी है यदि यहाँ से, यदि ये वाला ये वाला ये वाला ही तो ये सामने। पहुंच गए हैं लगभग और इस गली में हमें टर्न करना पड़ेगा। और ये बच्चा अभी यहाँ पर चल जा रहे हैं, इस गली में घूमते हैं आराम से।
डेस्टिनेशन विल बी ऑन द राइट. क्या बोलता है? ये तो नहीं है, आगे से बोलता है. इधर आगे में है गली, ये वाला गली है क्या? हाँ इसे से टर्न. अरे नहीं, तो टर्न ही नहीं होगा. अरे यहाँ पर तो है भी नहीं, उसी में हम लोग जाना. हमको लगता है ना पीछे से जो था ना रास्ता, उसी में है ना, उससे पहले वाला रास्ता जो था उसको फोन करके नहीं तो वहीं बुला लेना. हेलो, ये है ओ हैप्पी बर्थडे दो आपका. ये पेट से अच्छे से पकड़ी, अच्छे से. हाँ ये अच्छा है, छोटी मैया का बर्थडे है, इनका ये गिफ्ट है, आप देख सकते हैं. आप हैप्पी हैं इसमें? हाँ आपके लिए ये क्यूट लग रहा है. नहीं आओ, देख सकते हैं वो पूरा खेल रहा है. इसको ना भूख लग रहा है, मैंने ऐसा है. अभी तो अभी नहीं कुछ देना, अभी दही, मैंने खट्टा दही इसको खिलाना है सबसे पहला, खट्टा दही. हाँ खट्टा दही अभी नहीं, लगभग 10 मिनट के बाद, रुक के थोड़ा सा.